यार तुम सारे लोग रमजान में पता नहीं कहाँ चले जाते हो। एसफो की तो इतनी सारी रिक्वेस्ट आई है वीडियोस के नीचे कि एसफो पर वीडियो कब आ रही है यार। रमजान में भी ऐसे कहा करो यार, आज की हफ्तारी हमारी तरफ, रमजान में तो सारे गायब हो जाते हो। आई नो यार, आप सब अब यही कहोगे यार नेक्स्ट टाइम अफतारी हमारी तरफ, तो यार ये बाद में एंड पर डिसाइड करेंगे इफ्तारी किसकी तरफ होगी। तो चले आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, तो आपको बताता हूँ इन्फिनिक्स का एसफो किन लोगों के लिए लेना बेस्ट है और किन के लिए नहीं। भाई अगर तो आप ये काम करते हैं तो आपके लिए स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है, और क्यों है ये आपको मैं बताता हूँ वीडियो के अंदर। तो चले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर स्पेसिफिकेशन को स्टार्ट करो इसके डिस्प्ले से, तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.2 इंचेस का 720 पिक्सल वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, और इस डिस्प्ले में आपको डिस्प्ले डेंसिटी 271 देखने को मिल जाती है। और अगर कंपेयर करूँ सबसे बेस्ट स्मार्टफोन से जो कि इस प्राइस टाइम में रियलमी का 3 है, तो यार उसमें भी आपको डिस्प्ले डेंसिटी 270 तक देखने को मिलती है। मतलब आपको डिस्प्ले क्वालिटी तो रियलमी 3 जैसा ही देखने को मिल जाएगा। बट ना भाई, रियलमी 3 को तो कभी भी नहीं पहुँच सकता, क्योंकि यार इस स्मार्टफोन में आपको फ्रंट पर कोई भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती। तो अगर आप प्रोटेक्शन पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है। इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का हीलियो P22 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, और ये वही चिपसेट है जो कि आपको 17,000 की रेंज में भी देखने को मिल चुका है। लेकिन भाई बुराई नहीं करनी है सारी इस चिपसेट की, ये चिपसेट वाकई बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट है, क्योंकि यार ये चिपसेट 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और भाई ये ऑक्टा कोर चिपसेट है जो कि आपको परफॉर्मेंस 4GB की रैम के साथ में बहुत ही तगड़ी देगा। लेकिन भाई अगर आपको एक हाई गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए 24,000 की रेंज में, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए कभी भी बेस्ट नहीं होगा। मैं आपको 100% रेकमेंड करूंगा रियलमी का 3, जिसमें आपको हीलियो P60 का चिपसेट देखने को मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी है इस प्राइस टैग में। तो हाँ भाई, गेमिंग की बात हो रही है तो पबजी को हम कैसे भूल सकते हैं। ये स्मार्टफोन लो सेटिंग पे पबजी को इजीली हैंडल कर सकता है नो लैग के साथ। तो अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पे, ये किन लोगों के लिए स्मार्टफोन सबसे बेस्ट होगा। भाई अगर तो आप चौकीदार हैं, आपको एक बेस्ट टॉर्च चाहिए, साथ में स्मार्टफोन भी एक अच्छा चाहिए, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि यार इसके बैक पर आपको क्वाड LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। हाँ हाँ, मुझे पहले ही पता है जो आप बोलने वाले थे, वो आप यही बोलोगे क्वाड LED फ्लैश लाइट को ज़्यादा करने के लिए नहीं होती। तो हाँ, जिन भाई को नहीं पता ये क्वाड LED फ्लैश किस लिए, तो मैं आपको बता दूँ, ये डुअल टोन LED फ्लैश है। और अब जिनको नहीं पता डुअल टोन LED फ्लैश क्या है, तो यार उनके लिए हाँ जल्दी से डिसाइड करो यार अफतारी किसकी तरफ होगी। तो चले तब तक मैं आपको बताता हूँ कैमरों के रिलेटेड। तो भाई जाओ यार, आप में से कोई जाके वीवो वालों को भी जगाओ यार, 32 मेगापिक्सल का कैमरा इन्फिनिक्स ने 23,000 में दे दिया है, तो तुम 48,000 में कैमरा 32 मेगापिक्सल का दे के लुडिए क्यों डाल रहे हो यार। 32 मेगापिक्सल का कैमरा, इसकी क्वालिटी बहुत ही तगड़ी है। 23,000 की रेंज में सबसे ज़्यादा फ्रंट पर कैमरा ये स्मार्टफोन दे रहा है आपको। और हाँ यार, मुझे ये भी पता है, अब आप ये लाजमी बोलोगे यार वीवो के S1 पर बैक पर ट्रिपल रियर कैमरा है। और मुझे ये भी पता है आप सब लोग इन दोनों स्मार्टफोन की फाइट करवाना चाहते हो, तो लोग फाइट करते हैं, हमारा इन्फिनिक्स S4 भी किसी स्मार्टफोन से पीछे नहीं है। भाई कम होगा भी क्यों, आपके भाई ने स्पेशल स्मार्टफोन इन्फिनिक्स से आपके लिए बनवाया है। स्मार्टफोन तो इन्फिनिक्स कैमरा के लिए सारे स्मार्टफोन से टक्कर का बनाया है। बैक पर जो 3 कैमरा लेंसेज है, उसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, दूसरा जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है, और जो तीसरा कैमरा लेंस है वो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अब सुन लो, ये स्मार्टफोन आपने बाय क्यों करना है। नहीं यार, चौकीदार वाला कोई भी सीन नहीं है, सीरियस अब बात करूं यार, अगर आपको बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए, साथ में अगर आपने हल्की फुल्की गेमिंग ही भी करनी है, जैसा कि लो सेटिंग पे आपने पबजी खेलनी, तो यार स्मार्टफोन हैंडल कर सकता है। बेस्ट कैमरा के लिए तो ये स्मार्टफोन 100% आपको मैं रेकमेंड करने वाला हूँ। क्योंकि भाई इन्फिनिक्स ने 6.2 इंच डिस्प्ले, 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा,
बैकवर्ड ट्रिपर रियर कैमरे और 4000 mAh की बैटरी स्पेसी को डालकर मिल्क शेक बना के आपको सर्व कर दिया है। और भाई ये मिल्क शेक इतना भी सस्ता नहीं है, एक ग्लास आपको 23,000 में पड़ेगा। इतना महंगा कभी पिया है मिल्क शेक आपने? तो हाँ यार, अफ्तारी कौन करवा रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना, और साथ में मुझे ये भी बताना कैसी लगी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे फिर भी बता देना, बुरी लगी हो तो फिर भी बता देना, डिसलाइक नहीं करना है, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।